रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से लाइए सर, आपके अपडेट्स और क्या कोई नए स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? तो इन्वेस्टर का तो अपने आप भी थोड़ा सोचना चाहिए ना, जब प्रॉफिट आता है थोड़ा बहुत इनकैश कीजिए। अब ये तो राइट था कि मिड कैप में ओवरबॉट रीडिंग है, आप बोल दो सेबी ने कह दिया, फेड की मीटिंग है, वो सब एक कारण होता है। एक लेवल था जहां आप देख रहे थे डाउ न्यू हाई पे जा रहा था, हम वही स्ट्रगल कर रहे थे। मैं अभी भी सोचता हूँ लार्ज कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा ध्यान कीजिए, वहां वेटेज बढ़ाइए और मिड कैप में थोड़ा पैसा लीजिए ऑफ द टेबल फॉर वट एवर रीजन। लेकिन करेक्शन जब आती है वो अनअनाउंस आती है सृष्टि, वो कह के नहीं आएगी और पेनफुल होती है। हाउएवर हमें लगता है कि अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर्टन सेक्शन ऑफ द मार्केट पर्टिकुलरली पीएसयू ओएमसीज आपके मेटल स्टॉक्स, वहां पे बहुत शार्प करेक्शन आया है, तो वहां आपको अपना यू मस्ट यूज दिस फॉल, क्योंकि जब मार्केट घटती है इस तरह से फिर आपको लेने में बड़ी मुश्किल होती है। और दूसरे चैनल तो पहले ही 1000 पॉइंट का डिस्काउंट लेके चलते हैं। करेक्शन इज पार्ट एंड कोर्स ऑफ दिस बुल मार्केट। अब आपको देखना है आपको पैसे कहाँ लगाने हैं जहां आपसे पैसे बने, क्योंकि फिर आप बोलते हो फॉल आएगा तो हम खरीदेंगे, जब फॉल आता है फिर आप बोलते हो ब्लड ऑन द स्ट्रीट है लेकिन मुझे भी ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर मत कीजिए, लेने की चेष्टा कीजिए। कल भी आपको कहा था ओएनजीसी कॉनकॉर, वो दोनों मेरे टॉप पिक्स है। आज के लिए अभी 3 पिक्स है और मैं कहूंगा यहाँ पे अपने कैश का पोर्टफोलियो भी बढ़ाइए, लेकिन लार्ज कैप्स की तरफ ध्यान रखिए। एचडीएफसी बैंक मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म होएगा अलोंग विद प्राइवेट बैंक्स, तो वहां पे मेरे को ज्यादा बुलिश हूँ। लेकिन आज मेरे लिए 3 स्टॉक्स हैं जो आपके लिए रेकमेंड कर रहा हूँ और उनमें आप मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। अब कौन से हैं वो 3 स्टॉक्स? आप कहें तो मैं बताऊं जी क्या? हाँ वकील चलो साहब बताइए कौन से हैं वो 3 स्टॉक्स। तो अजय जी देखिए, आईओसी आपको 135, 40, 30, 35 में बहुत कहा था, 195 पे पैसा ऑफ द टेबल भी लिया, अब 167, 170 में लेने की चेष्टा कीजिए। मेरे को लगता है ओएमसीज में करेक्शन वाज वेरी मच ऑन द कार्ड्स आफ्टर सच अ शार्प रन अप, लेकिन आईओसी का जो आप कंप्लीट बिजनेस देखोगे इट इज अनडाउटेडली ये सबसे बढ़िया नंबर जो आएंगे वो आईओसी के आएंगे। इस साल में अगले FY24 में 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट आएगा एनर्जी कंपनीज में से, उसमें से लायन शेयर विल कम फ्रॉम ओएनजीसी एंड आईओसी। ओएनजीसी मैं पहले भी दे चुका हूँ, 260 का स्टॉप लॉस है सृष्टि जी, 285 का टारगेट। आईओसी 66-68 में लीजिए, सिर्फ 162 का स्टॉप लॉस रखिए, 185 का टारगेट आपको अगले हफ्ते मिल जाना चाहिए, शायद उससे पहले। दूसरा मेरे लिए पिक है अडानी एंटरप्राइज। क्वाइटली अडानी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया है और अडानी एंटरप्राइज एज अ होल्डिंग कंपनी, वेदर कोल पो सब कुछ मिला के एज अ कंग्लोमरेट, मुझे लगता है अडानी में बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। मुझे 3500 का न्यू हाई दिखता है इसमें, और आपको और बता दूं 3300 के ऊपर 2 दिन क्लोज हो गया तो यू विल बी सरप्राइज के 3800 भी आ सकता है। इसमें स्टॉप लॉस आप 3150 का रखिए क्योंकि मार्केट वॉलिटाइल है। तीसरा एचपीसीएल, जो आप 600 पे चेस करते थे अब 500 रुपए आ गया है, यहाँ रिस्क रिपोर्ट बहुत फेवरेबल है, 488 का स्टॉप लॉस रखिए और मुझे लगता है 550 का टारगेट इसमें आपको मिल जाना चाहिए। तो तीनों पीएसयूज हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में मैं बोल रहा हूँ। ओएनजीसी मैंने कल भी आपको कहा था अलोंग विद कॉनकॉर, और इंडिया बुल रियल इस्टेट और आरबीएल बैंक, इनमें आप अक्यूमुलेट कीजिए, ये शेयर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब इन सारे शेयर